सब्सक्राइब करें कंप्यूटर ब्लॉक चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट में फिट्स एक्ट स्कीम के अंदर एक जॉब का नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, उस पर फ्रेंड्स हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं। दैट मीन्स फ्रेंड्स, उस जॉब के लिए अगर हमें अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है फ्रेंड्स, और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और कब अप्लाई कर सकते हैं, और कहाँ अप्लाई करना है, सारे डिटेल्स में बात करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा में जो एक स्कीम के अंदर रिक्रूट आया उसके डिटेल्स में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो नियमित पोस्ट है, दैट मीन्स जो स्कीम है, नेशनल ई गवर्नमेंस प्लान एग्रीकल्चर, इनको शॉर्ट में कहते हैं फ्रेंड्स NEGPA। फ्रेंड्स, नेशनल ई गवर्नमेंस प्लान एग्रीकल्चर में एक एक करके हर डिस्ट्रिक्ट और हर सब डिविजन के अंदर ये रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। इससे पहले भी मैंने इस तरह का वीडियो क्रिएट किया था, आप मेरे चैनल में आके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं जो पोस्टेड हुआ था डेट, वो आज ही है 27 नवंबर 2018 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल वैकेंसी ओनली वन। तो फ्रेंड, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में वो प्रीवियस वीडियो की तरह सेम टू सेम मैं फिर से आप लोगों को साथ डिस्कस कर लेता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर त्रिपुरा हैज एडवाइस्ड ए नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट एट डाटा एंट्री ऑपरेटर विल बी एंगेज्ड ऑन प्योरली एंड टेम्पोररी बेसिस और पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है नेशनल ई गवर्नमेंट्स प्लान एग्रीकल्चर में, ये टेम्पोर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेस रिक्रूटमेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 मंथ के लिए हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम इंपॉर्टेंट डेट्स में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, वॉक इन इंटरव्यू होगा। वो जो वर्क इन इंटरव्यू का प्लेस है वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर कदम तला एग्री सब डिविजन। फ्रेंड्स, ये जो डेट दिए उन्होंने 10 दिसंबर 2018 में, और फ्रेंड्स एट 11:30 में होगा ये। तो फ्रेंड्स, जो जो कैंडिडेट सोचते हैं इसमें अप्लाई करेंगे, उन लोगों का सारे जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, उन लोगों का सेल्फ एडिटेड कॉपीज प्लस पासपोर्ट साइज फोटो लेके, और एक बायोडाटा का जो फॉर्मेट है मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दे हूँ, वहाँ से प्रिंट कर आप सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे एज लिमिट का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एज लिमिट उन्होंने दिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की तरह चलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन वो प्रीवियस जॉब्स की तरह सेम टू सेम है, जैसे कि आप लोग ग्रेजुएट होना चाहिए विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए आप लोग के पास, उससे फ्रेंड्स गुड नॉलेज इन कंप्यूटर होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों का बहुत सारा नॉलेज, जैसे कि आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओपन ऑफिस, जैसे कि हार्डवेयर का इश्यूज के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, एंटीवायरस और PDF क्रिएशन और PC स्विच और प्रिंटर्स के बारे में थोड़ा आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये कदम तला एग्री सब डिविजन में ये जो उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा वो आप लोग का एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें आप लोग एग्री हॉर्टी और एग्री एलाइट डेटा एंट्री लाइक MIS और जियो टेकिंग में आप लोगों का एक्सपीरियंस अगर है, आप लोगों को शायद यहाँ पर ज्यादा ही प्रेफरेंस देगा उन्होंने। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम डिस्कस करेंगे सैलरी का। तो फ्रेंड्स, डेटा एंट्री का जितने भी जॉब यहाँ पर निकले नेशनल ई गवर्नमेंस प्लान एग्रीकल्चर में, उसमें सारी है फ्रेंड्स 10,000 करके पर मंथ आप लोगों को मिल जाएगा। नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान एग्रीकल्चर में जो रिक्रूटमेंट आया था उससे फ्रेंड्स हम डिटेल्स में बात के इस बिना। तो भी आप लोगों को कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।